इंदौर शहर का सबसे बड़ा जलेबा बनने जा रहा है, देखते कैसे बनता है। जलेबी की शुरुआत मेरे फादर ने करी है 1988 से। तो गाइस आज आपको दिखाएंगे इंडिया का सबसे बड़ा जलेबी, नहीं जलेबा कैसे बनता है। तो भैया ये क्या चीज है ये? हाँ ये मैदा है। अच्छा मैदा, सिर्फ मैदा रहता है? हाँ मैदा है। और अपने यहाँ पे क्या कितने किलो की जलेबियाँ मिलती है? जैसे जरा की डिमांड होती है उस तरह से जलेबी बनाई जाती है। सबसे बड़ी आज तक कितने की बनी है? मैंने 1300 ग्राम की हाइट से बनाई है। अच्छा हाइएस्ट, ओके बनाएगी इसलिए बनेगी भाई साहब। सबसे बड़ी जलेबी जलेबा बोलते हैं इसको, ये देखो। कितने रुपये का आता है ये? अभी 600 रुपये किलो का भाव चल रहा है। 600 रुपये किलो का सही है ना? ये देखो भाई साहब इतनी बड़ी जलेबी गई, देखिए कमेंट सेक्शन में बताना। अभी हम लोग खड़े हैं छोटा सराफा इंदौर में। ये शॉप का नाम क्या है? जय बोले जलेबी भंडार। जय बोले जलेबी भंडार। और टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग 9 बजे से रात को 2 बजे तक। ओके, संडे के दिन 6 बजे से रात को 2 बजे तक। ओके जी। भैया इसको पकने में 3 से 4 मिनट लगेगा। 3 से 4 मिनट लगते हैं। और इसके साथ और क्या क्या मिलते हैं अपने यहाँ पे? मालपुआ, जलेबी, प्योर दूध का मालपुआ बनता है जो मारवाड़ी आइटम है। अच्छा मारपुआ, अच्छा रबड़ी बनती है। अच्छा जलेबी काम आ जाती है और माल पे भी काम, जलेबी और माल पे दोनों पे डालेगा। और यहाँ कहीं ऐसी बनेगी अपनी जलेबी? बनेगी। अभी अपनी तल रही है, ये घी में रहता है कि तेल रहता है? अच्छा प्योर घी। अभी पलटाएंगे क्रंची क्रंची होने वाली है। अच्छा वो सिगरेट जो हर किसी में नहीं होती है। अच्छा कितने दिन चल जाती है ये? 15 दिन की गारंटी मेरी चलेगी। 15 दिन चलेगी, बढ़िया है। मेजा है। अच्छा। और उसका कुछ फिजरेट मिलाता हूँ, वो फोन नहीं करता हूँ। अच्छा वो नहीं बताते। और इंदौर में जलेबी की शुरुआत मेरे फादर ने करी है 1988 से। अच्छा जी। उसके बाद जो भी दुकान है वही सब बात की है। और इंदौर में मैदे की जलेबी बनती है, मावे की कहीं नहीं बनती है। अच्छा सिर्फ मैदे की बनाती है? सिर्फ जलेबी सारा पे मैदे की बिकती है। तो लोग बोलते हैं मावे की जलेबी? नहीं मावे की नहीं, मैदे की जलेबी। भाई कलर ही एकदम चेंज हो गया, क्या वो करारापन दिख रहा है अभी अपनी जलेबी में। ये हो गई भाई साहब रेडी, अभी जाएगी ये चाशनी में। अपना जलेबी नहीं जलेबा हो चुका है रेडी, अभी जाएगा चाशनी में। पूरा चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब होके भाई अपनी मस्त गर्मा गर्म क्रंची मीठी जलेबा निकलेगा। जोरदार तो लग रहा है, चाशनी से भरा हुआ है। भैया का भी आ जाना चाहिए। और ये हो गए भाई साहब रेडी, एक बार भी इसको वेट करके दिखा देंगे कितने कितने ग्राम की। भैया ये 700 ग्राम की, 700 ग्राम का भाई साहब अपना जलेबा है। इतना बड़ा जलेबा आपने कहीं देखा है? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। ये हो गया रेडी गर्मा गर्म, हेल्दी फूड हो गया भाई, गर्मा गर्म रेडी आके दे रहे हैं ताकि फिर बाकी हम लोग पैक करके लेके जाएंगे ताकि वेस्ट ना हो। भैया का भी मेन मानना है कि वेस्ट ना हो। और नंबर वन मिठाई है, सफिशिएंट है भैया। मैं थोड़ी सी इसको रबड़ी भी डाल दूँ और इससे भाई साहब इसका आ जाएगी रबड़ी। सर जलेबा इंडिया का सबसे बड़ा जलेबी नहीं जलेबा तैयार हो गया है, वो भी लच्छेदार रबड़ी के साथ। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। इतना 20 साल से यही खा रहे हैं। मीठा क्रंची और भाई बहुत स्वादिष्ट है। इंदौर आना मेरा सक्सेस हो गया, जबरदस्त है। अगर आपको टेस्ट करना है भाई तो इंदौर सरावा बाजार में आना भाई, जय भोले जलेबी भंडार वाले के पास भाई, जबरदस्त टेस्ट आता है भाई, मजा आ गया भाई, बिल्कुल ट्राई करना, मजा आ जाएगा।